यह नियम है कि स्वीकृति मिटाने के लिए कोई अन्य अभ्यास अपेक्षित नहीं है, केवल अस्वीकृति से ही मिट जाती है। अतः माने हुए मैं के संयोग में विवेक का अनुभव सुगमता पूर्वक हो सकता है, अथवा जिससे जातीय एकता है उसकी प्रीति होकर माना हुआ मैं गल जाता है। अब रही माने हुए मेरे की बात, यह सभी का अनुभव है कि जिस वस्तु को हम अपनी मान लेते हैं वह दूर हो या समीप, उससे संयोग सिद्ध हो जाता है। हम जिस मकान में रहते हैं वह यदि किराए का हो तो उससे कभी ममता नहीं होती और न उसका संयोग भासता है, अर्थात उसमें रहते हुए भी वह अपना नहीं भासता और उससे अलग होने में भी कोई कठिनाई नहीं होती। परंतु जो मकान हम अपने नाम से बनवा लेते हैं उससे देश की दूरी होने पर भी संयोग सिद्ध हो जाता है। इतना ही नहीं, उसमें कभी रहने को भी न मिले तब भी उसका संयोग बना रहता है। यदि अपनी वर्तमान दशा का अध्ययन करें तो यह भली भांति विदित हो जाता है कि जिन वस्तुओं को हमने अपना मान लिया था यद्यपि आज वे नहीं हैं, तब भी उनका संयोग है। अतः यह निर्विवाद सिद्ध हो जाता है कि संयोग किसी वस्तु की समीपता तथा दूरी पर निर्भर नहीं है और न किसी वस्तु के रहने न रहने में है। संयोग तो केवल अपना मान लेने पर है। अपना न मानने का अर्थ कोई यह न समझ बैठे कि जो चीज अपनी नहीं है उसका विनाश कर देना चाहिए या उसका दुरुपयोग करना चाहिए, और अपनी न मानने का अर्थ यह भी नहीं है कि जो वस्तुएं प्राप्त हैं उनका सदुपयोग नहीं करना चाहिए, उन्हें सुरक्षित नहीं रखना चाहिए। अपना न मानने का अर्थ है कि प्राप्त वस्तुओं में मोहपूर्वक आबद्ध नहीं होना चाहिए और उनके रहने पर अभिमान तथा न रहने पर दुख नहीं होना चाहिए, न उनका चिंतन होना चाहिए। यदि निज ज्ञान के प्रकाश में संयोग में वियोग का अनुभव कर लिया जाए तो साधक बहुत सुगमता पूर्वक वस्तुओं के वियोग के दुख से, व्यर्थ चिंतन से, संयोग के सुख की दास्ता से तथा मिथ्या अभिमान से मुक्त हो जाता है। यह नियम है कि निर्भिमानता आते ही सभी दोष स्वतः मिट जाते हैं और जिससे हमारे स्वरूप की तथा जातीय एकता है उससे अभिन्नता हो जाती है। बस यही नित्य योग का अर्थ है। अब विचार कीजिए, जिसे आप यह कहते हैं उसे मैं नहीं कह सकते
और जिसे मैं कह सकते हैं उसे ज्ञान नहीं कह सकते, क्योंकि मैं सीमित है और ज्ञान अनंत है, और मैं परिवर्तनशील है और ज्ञान नित्य है। मैं करण का भले ही ज्ञाता हो, पर मैं ज्ञान का ज्ञाता नहीं है, क्योंकि ज्ञान तो स्वयं अपना ज्ञाता है। अब मैं और ज्ञान का भेद स्पष्ट हो गया। ज्ञान की दृष्टि से मैं भी यह के अर्थ में आ जाता है, अर्थात अहंता और ममता दोनों को ही यह के अर्थ में समझना चाहिए। यह नियम है कि ममता मिटने पर अहंता और अहंता मिटने पर ममता स्वतः मिट जाती है, किंतु इन दोनों का प्रकाशक जो नित्य ज्ञान है उसका कभी अभाव नहीं होता। अब यह स्पष्ट हो गया कि ज्ञान यह और मैं से परे है। आप विचार करके देखें, शरीर को आप यह कहते हैं, यह जिसके द्वारा कहते हैं वह आप में अपना एक ज्ञान है। उस ज्ञान की आकृति का भले ही आपको बोध न हो, पर उसकी सत्ता का बोध है, उसकी महिमा का बोध भले ही न हो, पर इस बात का बोध तो है ही कि आप किसी ज्ञान से ही कहते हैं कि शरीर यह है, अर्थात शरीर इंद्रिय मन बुद्धि आदि सभी यह के अंतर्गत आते हैं। मैं नहीं हो सकते, यह है मन, यह है बुद्धि, यह है इन सब के व्यापार को भी मैं का व्यापार नहीं कह सकते। इस दृष्टि से यावत दृश्य यह के अंतर्गत ही समा जाता है, और यह का दृष्टा दृश्य से संबंधित होकर मैं कहा जाता है। दृष्टा और दृश्य से संबंध जोड़ने में केवल राग ही अपेक्षित है। राग का जन्म अविवेक सिद्ध है। विवेक जब अविवेक को खा लेता है तब राग सदा के लिए मिट जाता है। राग के मिटते ही दृष्टा पद शेष नहीं रहता, और फिर जो नित्य ज्ञान है वह ज्यों का त्यों अपनी महिमा में अपने आप को पाता है, अर्थात उस अनंत ज्ञान से भिन्न कुछ नहीं रहता। इससे स्पष्ट हो जाता है कि यह है और मैं दोनों ही उस अनंत ज्ञान से प्रकाशित थे। इन दोनों की अपनी कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं थी। इस दृष्टि से यह अनंत उस अनंत की ही एक अवस्था मात्र था। यह नियम है कि जिसकी जो अवस्था होती है
उसी में वह विलीन हो जाती है।